तो गाइस तुम लोगों ने टाइटल और थंबनेल से पता लगा लिया होगा कि आज किसका गेम प्ले होने वाला है। यू नो तुम्हारी कमेंट्स आई कि हमें चाहिए सीक्रेट एंडिंग, तो क्यों ना इसको तुम्हारे और मेरे साथ बैठ के इसको कंप्लीट किया जाए। एंड सो हे गाइस, तो तुम गाइस सारे तो फिर तुम सबको स्वागत है फिर से एक और फाइव नाइट्स एट श्रेक होटल। तो गाइस आज हम इसके होटल में फिर से पांच रातें बिताने वाले, बट पांच रातों के बीच बीच में हम श्रेक की अनजान तरीके से गुद्दी तोड़ेंगे। उसको भी नहीं पता कि उसकी एंडिंग कैसे कैसे हो सकती है। तो गाइस आज हम फाइंड आउट करने वाले हैं टू सीक्रेट एंडिंग्स। तो फिर चले शुरू करते हैं आज का खेला। खेला प्रेस एनी की टू स्टार्ट फाइव नाइट्स एट ग्रेक्स होटल। बट मैंने तो श्रेक सुना था। वॉरिंग, दिस हॉरर गेम इंक्लूड्स फ्लैशिंग लाइट्स एंड जंप स्केयर। पूरा पढ़ने दे भाई। ओह, थग लाइफ वाले चश्मे भी लगा के आएंगे। तो ये रहा हमारे होटल का दरवाजा। तो गाइस इस गेम की कहानी ये होती है कि मेरे पास मेरा घर नहीं होता तो मैं इस होटल में स्टे करने के लिए आता हूँ, बट मेरे को यहाँ पे पांच रातें बितानी होती है और उन्हीं पांच रातों के दौरान ये अपनी हरकतें शुरू करता है। और यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है कि यू कुड अफोर्ड द मनी यू नीडेड फॉर ए न्यू हाउस विद योर न्यू जॉब। साफ सी बात है कि मैं अपने पैसे बचा रहा हूँ कि ताकि मैं नया घर खरीद सकूं, इसलिए मैं होटल में स्टे करूंगा। स्पेस टू कंटिन्यू कंटिन्यू डन इट। मैं आ चुका हूं। ओ भाई थग लाइफ वाला लौंडा, तेरी क्या बे। बट जहां जा जाऊंगा ये मेरे को मामा घूरता है ना, बदतमीज तो तू है। लौंडे ने थग लाइफ वाले चश्मे लगा के पता नहीं अपने आप को क्या तो कूल समझ रहा है क्या बे। हां क्या क्या बेटे, तू जितना घूरेगा ना मैं भी उतना ही घूरूंगा। औकात मैं ठीक है तब मैं तो बाहर मिल ले तन बताऊं। मैं इंस्टाग्राम की स्टोरी में लाइव लोकेशन भेज दे, वहां पहुंच जाऊंगा मैं। चलो। हेलो देयर, वेलकम टू ग्रेक्स होटल, हाउ कैन आई हेल्प या? हाय, कैन आई गेट ए रूम फॉर फाइव नाइट्स प्लीज? ये मैं कह रहा हूँ। और ये अब कह रहा है ये, श्योर वी हैव एन एम्प्टी रूम ऑन द सेकंड फ्लोर। चले जाएंगे दूसरे फ्लोर पे भी। हाँ चलो ठीक जाऊँ मैं पक्का। ये बंदा गुस्सा होगा कि आई सेड वी हैव एन एम्प्टी रूम ऑन द सेकंड फ्लोर। जा रहा हूँ ना बेटे, ज्यादा नहीं ठीक है, ज्यादा नहीं, जा रहा हूँ सेकंड फ्लोर पे। ठीक है डन इट। गेम का साउंड नहीं आ रहा है या फिर मैंने कम कर रखा है। तो गाइस गेम का साउंड अब आया है। बड़े लौंडे आई सैड जा रहा हूं ना मैं रूम में, बताओ। मेरे हेडफोन का वॉल्यूम फुल था तो ये एकदम से हुआ भाई। सीरियसली भाई जंप स्केयर है। और मानोगे नहीं कि आज मेरे घर पे नीचे रिलेटिव्स आ रखे, मैं बहुत जोर से चिल्लाया हूं तो पता नहीं आई थिंक उनको मेरे चिल्लाने का शोर सुन गया होगा और वो जग गए होंगे कि नितेश तो यहाँ पे सोने भी नहीं देता हमें, इसके घर में नहीं आऊंगा मैं आज के बाद। कुछ ज्यादा साउंड था। ओके तो मैं समझ चुका हूं कि अगर मैं इससे बार बार पूछूंगा तो ये मेरे पर चिल्लाएगा। सिंपल, इससे बात करी और यहाँ से फूट लो ठीक है। एंड इसने बोला था कि जाना है सेकंड फ्लोर पे और ये इसके घोड़े नहीं खत्म हो रहे, बट इसके घोड़ों में भी लाइट जग रही है। देखिए घोड़ा तो नहीं घूर रहा है मेरे को। नहीं ये घोड़ा नहीं घूरेगा। डोंची डोंची डोंची, चलो ऊपर चलते। उसने बोला था सेकंड फ्लोर। ओके डन, ऊपर फ्लोर नहीं है बट यहाँ पे सीढ़ियों के निशान है इधर। मुझे क्या, चलो चलो। सामने कुछ गया, सामने कोई किसी को घसीट के लेके जा रहा था। यहाँ पे तो कोई भी नहीं है बट यहाँ पे भी बहुत सारे दरवाजे होते हैं और मैं ये गेम पहले खेल चुका हूँ बट ये गेम पहले से थोड़ा सा अपडेट हो चुका है। डन इट। और यहाँ पे इसकी एक फोटो होती है और इसी फोटो के पीछे छुपी है सीक्रेट एंडिंग। ओके अगर मैं इसको करूंगा टर्न तो ये घूमती है डन इट। बट यार इस वाली फोटो के ऊपर ये लगा हुआ है थग लाइफ वाला चश्मा। ये लाड़ा तू तो कभी चोट दिखा रहा, इसके नीचे से मेरे को आगे दिख रही है। समझ रहा हूँ लाड़ा, ये खुलता नहीं है। तो पहली रात, पहले हम पूरे पांच दिन सर्वाइव करते। अरे अरे अरे, अरे बात क्यों कर रहा भाई। डन इट, ये रहा मेरा बेड और इस बेड में सो जाओ ना। आई नीड टू गो बाथरूम बिफोर स्लीप। इसको हगना है बट मानना पड़ेगा कि इस पूरे रूम में सिर्फ एक बेड के अलावा भाई पंखा तक नहीं है, सिर्फ एक लाइट है। इतनी गर्मी में बिना पंखे के मैं सोऊंगा कैसे, पागल आदमी। होटल बना लेते, होटल में एक फैन तक अफोर्ड नहीं कर सकता ये श्रेक ग्रेक जो भी है। आ जा बेटे बाथरूम का वे लाड़ ले। बाथरूम, एक्सक्यूज मी वेयर इज द बाथरूम? यस ब्रो द बाथरूम इज द फर्स्ट फ्लोर ऑन योर लेफ्ट साइड। शुक्रिया, मुझे पता था कि बाथरूम वो है, लेकिन मैं तेरे से बात नहीं करता तो तू वो गेट नहीं खोलता। मैं तेरे से ज्यादा अकलमंद हूं पागल। भाई घूरना बंद कर, तेरी मैं गुद्दी पे मार दूंगा थप्पड़। लेकिन कुछ भी कहो, इसलिए लगा रखा है थग लाइफ वाला चश्मा तो ये थोड़ा सा ज्यादा खतरनाक नहीं लग रहा, ये लग रहा है थोड़ा फनी लग रहा है। हट बदतमीज, मुझे मारेगा डन इट। वो रहा इतने बड़े बाथरूम में वो बीचों बीच एक संडास फटे, अजीब चीज। वहां पे शीशा इतना ऊपर कैसे है भाई, मैं तो वहां तक देख भी नहीं पा रहा भाई। चलो जो भी हो हगो। चलो ठीक है अभी हगते हैं। बढ़िया हगा गया, क्या साउंड था। बिना इसने फ्लश करा है डन इट। तो गाइज मैंने जस्ट अभी हगा है तो मैं हाथ धोने जाऊंगा। अबे भाई मैं हाथ ही नहीं धो सकता। चलो चाहता मत घूर, मैं अभी हक के आया हूँ और मैंने हाथ नहीं धोए, तेरे मुंह पे लगा दूंगा।
श्रेक के बच्चे ज्यादा बोलेगा। चलो ठीक है चलता हूँ अभी मैं ऊपर नाइट वन। अरे ये सीढ़ियों पे इतना धीरा क्यों हो जाता है, डोंट नो। चलो ठीक है चलता हूँ, यहाँ पे कोई भी हरकत नहीं है, बट मैं इसकी फोटो को मैं फ्लिप कर सकता हूँ ऐसे ऐसे ले 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 ले। देखता हूँ क्या मिलेगा। और ये गेट हमेशा बंद ही रहता है, और क्या देखता हूँ क्या कोई भी गेट खुला है कि मुझे कुछ नया मिल सके। नहीं, आई थिंक अब मैं सोने के लिए जा सकता हूँ। थैंक्स फॉर द अभी मैं हग सॉरी सोऊंगा। एंड ऑफ नाइट वन एंड नाइट टू की शुरुआत। चलो आ गया, मुझे से फिर से बात करनी पड़ेगी। हे वेलकम बैक, व्हाट वर यू डूइंग टुडे इफ यू डोंट माइंड मी आस्किंग। मैं तुझे क्यों बताऊं कि मैंने आज पूरे दिन में क्या करा है, तू मेरी गर्लफ्रेंड थोड़ी है। Just working hard on the new job I have got. There is not a lot left to buy my new house. Very bad to hear that कि मैं अभी अपना घर नहीं खरीद सकता। Noise. By the way, I have some cleaning stuff to do that I do not have time to do myself. Do you like to help me with it and get paid for it? तो guys अभी ये हमसे काम करवाएगा और ये बोल रहा है कि उसके बदले में ये हमें पैसे देगा। तो भाई मेरे को पैसे चाहिए, कर दूंगा। That sounds like a good deal. हाँ ठीक है ठीक है। Noise. Can you see the boxes on your back? Please take them. Upstairs to the first room. हाँ भाई दिख गए, करता हूँ भाई। I said take the boxes upstairs. चिल्ला क्यों रहा है, जा रहा हूँ ना भाई। ये ले एक ठाया। अबे तू घूरना बंद कर दे, मैं तेरे मुंह पर थप्पड़ थप्पड़ मार दूंगा मैं तेरे, चुप हो जा। चलो ठीक है, ये तो अभी हम उसे स्टोर रूम में जाने वाले हैं जहाँ पे अपने को मिलेगी हमारी सीक्रेट एंडिंग, बट ये मैं सबसे लास्ट में करूंगा। चलो ये रखा है एक इधर, यहाँ पे कोने में झाड़ू रखी थी। काश मैं वो झाड़ू उठा के उसके मुंह पे झाड़ू मार देता, क्योंकि उसका थोपड़ा भी तो थोड़ा सा गंदा है ना। काश वो मेरे से ये काम करवा दे, मजा आ जाएगा। क्या मैं तेरे मुंह पे झाड़ू मार सकता हूँ? चिल्ला रहा है ये तो, कह रहा है कि जाकर डब्बे रख के आ रहे। जा रहा हूँ डब्बे रख के आ रहा हूँ भाई, आ रहा हूँ डब्बे रख के आ रहा हूँ। तूने कहा तो जरूर मैं डब्बे रख के आऊंगा लाड़ा। दरवाजा खोला, ये दरवाजा खुला, ये रखा इधर, एक और डब्बा डनेट, सिर्फ एक बॉक्स और रहता है। तो अभी मैं जाके फटाफट से उसको लेके आता हूँ और यहाँ के सारे काम खत्म करके, और आई थिंक अपने को उससे बात करने के लिए फिर से जाना पड़ेगा, क्योंकि वो अपने को ये सब काम करने के पैसे देने वाला है। तू मुझे पता है, तो चुपचाप से मुझे मेरे पैसे दे दियो, और अगर वो पैसे देने से मना करता है तो वही डब्बा नीचे ले जाके उसके मुंह पे फेंक के मारूंगा। बदतमीज कहीं का, येलो हुआ डनेट। ओके तो गाइस सिर्फ और सिर्फ मैंने सारे बॉक्सेस रख दिए हैं और अभी मैं जा रहा हूँ उस मोटे तंदूर के पास, मोटी लाल चमड़ी। ओ अबे लाडले आ गया मैं। वेल डन, गो एंड स्लीप नाउ, आई विल पे यू टुमारो, गुड नाइट। मैं तो काम अभी करा तो पैसे भी अभी देना। अबे क्या बदतमीज, आज मेरे पैसे का। आई नीड टू गो टू बाथरूम बिफोर गोइंग अप। ओके तो इसको जाना सुसु, मैं जा रहा सुसु करने। ओके सब सेफ है ना, बढ़िया करो सुसु कर रहा हूं टनेट। दूसरी रात को ये सोने से पहले हगता है, पॉइंट इज दैट। फ्लश कर दिया, बट मैंने हाथ आज फिर से नहीं धोए, मैंने हाथ आज फिर से नहीं धोए। मुंह पे लगा दूंगा, घूरना बंद कर दे बदतमीज कहीं का। जल्दी चलता हूँ ऊपर एंड अपने रूम में जाके सो जाता हूँ, बट ये स्टेयर्स पे थोड़ा धीरे हो जाता है, डोंट नो बट भाई। चलो चलते हैं, और यहाँ पर कोई हरकत है, एक सेकेंड। अच्छा वो लाइट है, मैं क्या मैं जूस पी सकता हूँ? अबे कितना बेकार होटल है भाई, सामने रखी मशीन बट मैं उससे जूस नहीं पी सकता। अरे तो गेट तो खोल दे बदतमीजो, हमने सेकेंड नाइट भी सर्वाइव कर ली। ओए ये कुछ कर रहा है, आई थिंक अभी मैं नाइट मेरे में हूँ। ये मुंडी 360 डिग्री टर्न कर पा रहा था भाई, जंप स्केयर आ गया मेरे को हल्का सा, क्योंकि जो बंदा 360 डिग्री मुंडी, 360 नहीं 180 डिग्री मुंडी घुमा सकता है, वो जीप से कुछ भी कर सकता है। सॉरी यार बैठ जाओ। चलो वेलकम बैक, हाउ वाज योर स्लीप लास्ट नाइट? बहुत बढ़िया नींद थी। नॉट गुड, आई हैड ए नाइट मेयर लास्ट नाइट। यस मेरे को लास्ट नाइट नाइट मेयर आया था और उसमें तू था। आई एम वेरी सॉरी टू हियर दैट, आई होप यू आर ओके नाउ बिकॉज आई हैव ए न्यू जॉब फॉर यू टू नाइट। इसने मेरे को अब तक कल रात के पैसे दिए नहीं है, बट ये अभी मेरे लिए जॉब भी लेके आ गया। अबे पहले कल के तो दे दे। I want you to take the broom from the room you put the boxes in yesterday and start cleaning the bathroom floor with it, please. ये मेरे से बाथरूम साफ करवा रहा भाई। मैं किसी के होटल में रहने के लिए आया हूँ, एंड अगर मैं किसी होटल में रहने के लिए जाता हूँ तो मेरे को वहां पे मिलना चाहिए VIP ट्रीटमेंट, बट ये बंदा मेरी मजबूरी का फायदा उठवा के मेरे से झाड़ू मरवा रहा है बाथरूम के अंदर। वाह बनाने, बढ़िया बढ़िया बढ़िया, क्या घटिया से घटिया मजबूरी पाई है। अरे झाड़ू हाथ में आ गई, क्या मैं इसके मुंह पे झाड़ू फेर सकता हूँ मैं तेरे। I said take the broom and start cleaning. ये तो चिल्लाने लग जाता है। अच्छा तेरे मुंह पे झाड़ू फेर दू, ये ले ले ये ले ये ले ये ले ये ले। अच्छा थोड़ा सा यहाँ से भी साफ कर देता हूँ, ये ले ये ले ये ले ये ले, ये ले। आया बड़ा। अरे मोटा भाई सॉरी, वो तेरे थोपड़े पे थोड़ा सा रेत लगाता है। साफ कर दिया मैंने, ज्यादा बोलेगा। चलो बट मैं साफ किसे करूं मैं? वाह सुपर फास्ट एक्सप्रेस,
बस हो गया साफ, पर मैंने साफ भी कर दिया। गायब हो गया श्रेक, गायब हो गया, बट यहाँ पे चाबी है किसी चीज की, बट वो यहाँ से गायब हो गया, ये थोड़ा सा अलग था। मैं इस रूम में भी मैं जा सकता हूँ, मुझे नहीं पता था। और यहाँ पे कुछ रखा हुआ है, क्या लिखा हुआ इधर, इस पे कुछ लिखा हो, बट वो मेरे को बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा है। अबे क्या लिखा हुआ है इसके ऊपर, ये क्या लिखा हो भाई, मेरे को तो कुछ समझ नहीं आ रहा। रुको मैं पढ़ने का ट्राई करता हूँ क्या लिखा हुआ है। अवे टूरिस्ट ट्रेंडिंग टू, भाई क्या समझ नहीं आ रहा कौन सी भाषा है। सवाल के वो मेरे को कहीं से भी अटैक कर सकता है, क्योंकि मुझे नहीं पता कि वो किधर है। आई थिंक मुझे अगर इससे बचना है तो आई थिंक मेरे को जाना पड़ेगा, जो इस गेम के अंदर दो सीक्रेट एंडिंग है, इसके होटल से जिंदा बच के जाना है, तो मे बी शायद मेरे को वो दो सीक्रेट एंडिंग करनी पड़ेगी। और मेरे को मिली थी चाबी, तो वो चाबी है कौन से रूम की, एक रूम यहाँ पे भी था, ये रूम तो पहले से खुलता है, बट वो बंदा गया कहाँ पे भाई, मेरे को तो जंप स्केयर आ रहा है भाई कभी मेरे रूम में तो। आई नीड टू पुट ब्रूम बैक टू हिज रूम, यस भाई झाड़ू रख के ही सो सकता हूँ, और मैं अपने बिस्तर में झाड़ू लिए लिए रख के मैं नहीं सो सकता। बाहर तो नहीं है भाई, थोड़ा सा डर लग रहा है, पता नहीं हल्का सा लग रहा है डर मेरे को। सो जा भाई, आज की रात काटनी थोड़ी सी मुश्किल थी, क्योंकि ये गायब हो जाता है। रन एंड डू नॉट लुक बिहाइंड, क्यों चूरा देखो मैं पीछे एकदम से, ये मैं कहां पे आ गया, कहां से आ रहा है वो, कहां से आ रहा है। ये मेरे को नाइट में आया और अभी मैं जगा हूं रात के 3 बजे, दिस इज मिडनाइट थर्ड। अभी मैं रात को जगा हूं, तो अभी देखता हूं मैं सारे रूम्स खोल के चेक करता हूं, और मेरे को मिली थी एक चाबी भी, एंड उस ये गेट बंद हो चुका है, एंड अब उस चाबी का क्या काम है, मुझे बस जाके एक बार देख के आना है। थोड़ा सा मोहल्ले की थोड़ा सा डर लग रहा है कि अभी वो मेरे को कहीं से भी रैंडम मिल सकता है, और यहाँ पे जाने से मना करा हुआ है। मैं तो आ गया इधर, श्रेक आया, ये आ गया, मुझे इससे बात करनी है। ओ इट इज मिडनाइट सर, व्हाई आर यू स्टिल अवेक। अबे भाई सपने में तू आके मेरी गुद्दी तोड़ के चला गया, आई जस्ट हैड ए नाइटमेयर अगेन बाय द वे। लेकिन तू कहाँ था जब मैं बाथरूम साफ करके बाहर निकला, बिल्कुल सही पूछा इसने। आई एम सॉरी, आई हैड टू गो टू डू समथिंग एंड आई हैव चेक्ड द टॉयलेट, इट वॉज वेरी क्लीन, थैंक यू। तो मुझे मेरे पैसे दे। अबे तो पैसे भाई, ये पैसे के नाम पे चिल्ला देते हैं कि जाके सो जा चुपचाप। बट वो बंदा, मैंने जब बाथरूम को साफ करा तो वो वहाँ से गायब हो गया था, तो बात में पॉइंट तो है मेरी, ठीक है, बट अभी मैं जाके सो जाता हूँ, डन इट। तो गाइज हमने सर्वाइव किया मिडनाइट 3 एंड दिस इज नाइट 4, तो अभी आगे बढ़ते हैं। चौथी, ये गुस्से भी क्यों है चौथी रात को, एंड इसने अपना चश्मा नीचे कर लिया क्यों भाई, इज एवरीथिंग ओके, इसकी मुंडी भी ऐसे हो रही है, लगता है इसके अंदर किसी काली आत्मा का साया है। यस 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 एवरीथिंग इज ओके, देयर इज जस्ट ए स्मॉल इशू विद लाइट्स व्हिच विल बी फिक्स्ड सून, अभी तो ठीक करना। अभी इसका पंखा भी बंद हो गया, अरे ठीक है भाई ठीक है। ऑल राइट देन, इज देयर एनीथिंग यू वांट मी टू डू फॉर यू टुडे, अगर कुछ है काम करवाने का तो मेरे को बता दे। अबे तू घूरना बंद कर दे। नो आई मीन यस मतलब बंदा कह रहा कि ना, अरे हां है है है। अबे कैसा लीच, मैं थप्पड़ मार दूंगा। आर यू स्कैर्ड ऑफ ब्लड, हां भाई हां डर लगता है। नो व्हाई आर यू आस्किंग, बट भाई इस बंदे ने मना कर दिया, अबे तू मना क्यों कर रहा। गो एंड टेक द ब्रूम अगेन एंड क्लीन द मेस इन द बाथरूम, आई थिंक बाथरूम में इसने कुछ कर रखा है। ठीक है पहले मैं जाकर चेक करूं बाथरूम में क्या है। वो बे बंदा मार रखा था ना, तो लाडे ले गुद्दी तोड़ूंगा तेरी, इसकी यो कौन है भाई, एक नंगा बंदा मार रखा है इधर। व्हाट द फक इज गोइंग ऑन हियर, आई शुड गेट द हेल आउट ऑफ हियर। ओ तेरी अनएक्सपेक्टेड भाई, मुक्का मार के फेंक दिया साइड में, मैं तो झाड़ू भी नहीं लेके आया ऊपर से। मैं तो सीधा चेक कर रहे भग गया भाई। ओके ये सामने खड़ा है, बट ठग लाइफ वाला बंदा सामने खड़ा है, क्या दिक्कत है 360 डिग्री मुंडी को मार पिछवाड़े, ये 360 डिग्री है, गोल गोल रानी इत इत पानी, अब ये कुछ कराएगा मेरे से, क्या दिक्कत है। लेट मी सो यू फैट ग्रीन, आई विल लेट यू गो इफ यू विन माई चैलेंज, कलेक्ट 40 ऑनियंस फॉर मी और एल्स आई विल मेक ए रग आउट ऑफ योर स्किन। ये बंदा कह रहा है कि ये मेरी चमड़ी देर देगा, थप्पड़ पता, यू हैव 1 मिनट, सिर्फ 1 मिनट दे रहा है, मूव योर और आई विल किल यू। गए काम से, 40 मिनट में अपने को ऑनियंस पिक करनी है भाई। गए अब गए, 2 गई 3 हो गई, बट वो पीछे आएगा, 4 हो गई, मैं नहीं कलेक्ट कर सकता ऐसे, सिर्फ 1 मिनट मेरे पास, बहुत सारी है, मैं ट्राई करता हूँ, रुक जा मैं ट्राई कर रहा हूँ, कोने कोने की चुग लूंगा, कोने कोने की, आई थिंक मैं गलत जा रहा हूँ, डोंट टो, मैं गलत जा रहा हूँ, सही जा रहा हूँ, बट मुझे उससे बचना भी है, 26 होगी, 25 रहेगी, अब गए काम से,
तो बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा है। 18 जाएगी वो मेरे को पकड़ सकता है मेरे ख्याल से। यहाँ तो मैं आ चुका ना, मैं पता नहीं मैं कहाँ घूम रहा हूँ, बट वो बंदा अभी मेरे पीछे आने वाला है क्योंकि इधर बहुत सारी ओनियन सब भी रह रही है और टाइम बहुत कम है, और वो टाइम कम रहते आई थिंक वो मेरे पीछे आ जाएगा मेरी गुद्दी तोड़ने के लिए। 2 सेकंड में गया, 15 अब भी रहती है, बहुत ज़्यादा रहती है अब भी। जल्दी कर सकता तो कर सकता हूँ, 13 रहेगी अब आई थिंक। अब वो मेरे पीछे पीछे आने वाला है मेरी गुद्दी तोड़ने के लिए। 12 गए काम से, वो मेरे पीछे पीछे आ रहा है, वो आ रहा है, कहाँ से आ रहा है, अरे भाई अरे भाई, मैं इससे भाग सकता हूँ, मैं इससे भाग सकता हूँ, इससे भाग सकता हूँ मैं, इससे भाग सकता हूँ मैं। 9 रहती अब भी, पूरा घूम के जाना पड़ेगा एक बार और पीछे पीछे वो मेरे। 8 रहती है, शॉर्टकट मार, शॉर्टकट शॉर्टकट पीछे ना, बहुत दूर है, बहुत दूर है, बहुत दूर, बहुत दूर है। मैं कर सकता हूँ, मैं कर सकता हूँ, मेरे को खोना नहीं है, मेरे को खोना नहीं है। अरे भाई क्या पीछे पड़ गया, इसको प्याज क्यों चाहिए, यहाँ पे तो एक भी नहीं है। ये रही, दूर है दूर है दूर है। फाइनली आई डिड इट, 5। यहाँ पे फंसना नहीं है, वो बगल में है, फंसना नहीं है, सिर्फ 3 रहती है। एक चक्कर और मार के आ जाऊँगा लेकिन मैं दोबारा नहीं आऊँगा इधर, संभाल के, वो दूर है। सिर्फ 1 रहती है, सिर्फ 1 रहती है, 1 रहती है, 1 रहती है, पूरी कर लूँगा ना मैं। ये रही, डन। You survived and you have finished the game. मैंने गेम सर्वाइव कर लिया लेकिन अभी अपनी सीक्रेट एंडिंग पेंडिंग है। Guys, अभी मैं जाने वाला हूँ सीधा अपनी सीक्रेट एंडिंग पे। जैसा कि आप सबको पता है कि ये बंदा हमें 5 रात सर्वाइव करने नहीं देता है, और ये उससे पहले अपनी गुद्दी चटकाने का सोचता है। अरे मैं जा ही नहीं सकता, पहले मुझे से बात करनी पड़ेगी। हाँ ठीक है, हाय हेलो बाय बाय, ठीक है, चल निकल। बिना आधार कार्ड में वो बंदा मेरे को इधर अपने होटल में स्टे करने दे रहा है, बट अगर मैं इस वाली फोटो पे सिर्फ ओनली करता हूँ क्लिक तो ये फोटो घूमती है। यस, ये फोटो घूम रही है। अबे मोटे चमड़ी की फोटो घूम रही है, बट मानना पड़ेगा इसने अपने थोपड़े पे लगा रखा है थकले फला चश्मा भी। ओके। अबे चाबी का साउंड आया तुम लोगों को, अपने को किसी रूम की चाबी मिली, क्या वो चाबी इसकी है? नहीं, ये रूम तो मेरा ही होता है, बट ठीक है। क्या वो चाबी इस रूम की है? सोचा भी इसी रूम की। और अपने को यहाँ पर मिल चुका है एक पोर्टल, मिला है अपने को यहाँ पर। गाइस अगर मैं इस वाले पोर्टल के उस पार जाऊं तो अपने को क्या देखने को मिलता है? क्या बनया? नाच रहा है। यू फाइंड ए हिडन सीक्रेट, ग्रेक्स पार्टी। अरे क्या हो गया? अच्छा, अगली रात हो चुकी है शुरू। तो गाइस फाइनली हमने श्रेक की सीक्रेट एंडिंग ढूंढी। वो क्या था? वो कोई एंडिंग नहीं थी। मैं दोबारा से इसके होटल में आ गया, वो कोई एंडिंग नहीं थी। तो वो एंडिंग नहीं थी। तो गाइस अभी एक एंडिंग और बचती है कि मैं उसको मार सकता हूँ सीधा हथियार से, बट ये गेट खुलता है। अभी सामने कोई था बट वहाँ पे कोई भी नहीं होता है। मैं जाऊंगा सोने तो इसको लग जाएगी पोटी, आई नो। इसको मैं फटाफट से इसकी हग्गी करवा के लाता हूँ और फिर तुम लोगों से मिलता हूँ मैं। गेट खोला, ये मैं सीढ़ियों से भागता नीचे कूदा। अबे ध्यान से, कभी तेरा पैर वुर ना फिसल जाए। डन इट, वेयर इज द टॉयलेट? मुझे पता है ये रहा, मैं चला जाऊंगा खुद ब खुद। या हम हग्गी करके, डन इट। तो गाइस अपनी दूसरी एंडिंग होने, इसने हग लिया। तो गाइस अपनी, अब इसने फ्लश करा। तो गाइस अपनी दूसरी एंडिंग होने वाली नाइट 2 को, तो अपने को पहले जाना पड़ेगा एंड अपने को पहले जाके सोना पड़ेगा, तभी अपनी आएगी नाइट 2। नाइट 2 को उसका वो स्टोर रूम हो जाएगा अनलॉक, खुलता नहीं है, जो कि अभी खुलेगा जैसे ही, उसके बाद अपने लिए बहुत ईजी हो जाएगा इसकी गुदी चटकाना। तो गाइस नाइट 2 इज ऑन द वे। अभी ये हमें बोलता है कि हमें ये वाले सारे बॉक्सेस उठा के रखने इसके जाके स्टोर रूम में, लेकिन मैं सिर्फ एक ही रखूंगा क्योंकि दूसरा डब्बा मैं इतने ऊपर लेके आऊंगा, इतने तो मैं तेरी गुद्दी चटका दूंगा। तो चलो गाइस, एंड अपने को यहाँ से मिलेगा अपना वेपन और यहाँ से उसकी गुद्दी तोड़ सकता हूँ। तो चलो मैं चेक करता हूँ क्या मेरे को कोई हथियार मिलेगा। हथियार चाकू मिल गया, और इस चाकू से मैं उसको मार सकता हूँ, और मैं जैसे उसको मार दूंगा तो मैं सीधा इसके होटल से जिंदा बच सकता हूँ। यस, तो यही एक पॉइंट है। अब चल, अब तो बोल हाँ या ना, क्या मैं तेरी इससे मैं तेरी गुद्दी तोड़ू, और अब तो मेरे को चुपचाप इस वाले होटल से बाहर जाने दे वरना मैं तेरे को मार दूंगा। बोल हाँ या ना। अच्छा नहीं, ये ले।
मार दिया मैंने उसको। और आई थिंक अभी अपने को इस गेट से एक सेकंड मैं ट्राई करता हूँ, क्योंकि गाइज अभी होटल में ये भी नहीं है और इसने सारे गेट लॉक्स कर दिए, तो आई थिंक सिर्फ मेरे पास एक ही गेट बचा है कि मैं जिससे उल्टा जा सकता हूँ, इससे जाकर ट्राई करता हूँ। अब क्या होगा, यू हैव फाइंड दिस सीक्रेट एंड किल्ड ग्रेक एंड सेव्ड योरसेल्फ, कांग्रेचुलेशंस। तो गाइज ये थी अपनी दोनों एंडिंग और गेम ऑटोमेटिकली क्लोज ही हो गया। गाइज ओनली ऑन सिर्फ ये लास्ट वाली एंडिंग ही एंडिंग थी, क्योंकि जब हमने ट्राई करी थी इसकी पहले वाली एंडिंग उसमें गेम दोबारा से स्टार्ट हो जाता है, तो आई थिंक सिर्फ यही वाली एक एंडिंग हम बोल सकते हैं। चलो ठीक है, जो भी था ठीक है, डन। एंड सो गाइस, आज के लिए सिर्फ इतना रखते हैं। होप यू गाइस आप लोगों को ये वाला गेम प्रीव्यू पसंद है, तो लाइक कर रहा नहीं हो तो सब्सक्राइब कर देना और एक प्यारा सा कमेंट कर देना। और क्या चाहिए तुम लोगों से, तुम लोग बहुत प्यारे हो, तो मिलता हूं मैं तुम लोगों से बहुत जल्दी। तो सो बाय बाय। तेरा भाई बेटे बहुत तेज जल्दी नहीं पटेगा।